नमस्कार दोस्तों, तो राजस्थान वेदर के बारे में इस वीडियो के अंदर आपको जो अपडेट है वो देने का प्रयास करूंगा। भारतीय मौसम विभाग के द्वारा यानी IMD के द्वारा आगे आने वाले लगभग दो दिनों के राजस्थान वेदर के बारे में जो अपडेट है वो जारी कर दी गई है, जिसके अंतर्गत अगर बात करें तो अभी फिलहाल जैसा कि आपको पहले की वीडियो के अंदर बताया था कि उत्तर भारत के अंदर एक नया WD जो है वो 23 तारीख को आएगा, तो इस वजह से अगर बात करें तो आगे आने वाले एक से दो दिन यानी लगभग 48 घंटे जो तापमान के अंदर जो बढ़ोतरी है वो एक से लेकर के और दो डिग्री सेंटीग्रेड की राजस्थान के अंदर आपको जो देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये जो WD है ये जो है वो मध्यम दर्जे का WD है, तो इसकी वजह से राजस्थान के अंदर मावठ की बारिश भी आपको जो है वो 23 तारीख को शाम से लेकर के और 24-25 तारीख को जो है वो देखने को मिल सकती है। तब तक यानी आगे आने वाले 48 घंटों के अंदर लगभग राजस्थान के सभी क्षेत्रों के अंदर तापमान के अंदर हल्की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और धूप भी जो है वो अच्छी खिलती हुई देखने को मिल सकती है आपको 23 और खास तौर से 24-25 तारीख को। जो बारिश की गतिविधियां है वो गंगानगर, हनुमानगढ़, कुछ बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, जयपुर और आसपास के जिलों के अंदर, कुछ अजमेर के क्षेत्रों के अंदर, जोधपुर, बाड़मेर, इन क्षेत्रों के अंदर हल्की मध्यम चितराई बारिश की गतिविधियां आपको जो है वो चितराई बारिश के रूप में जो है वो 24 और 25 तारीख को विशेष तौर से देखने को मिल सकती है, और इसके बाद में यानी लगभग 26 तारीख के बाद में लगभग 27 और 28 तारीख को तापमान के अंदर एक बार फिर से लगभग 3 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी देखने को मिल सकती है। यानी इस साल के सबसे जो ठंडे दिन है वो जो है वो 27 तारीख से लेकर के और 31 दिसंबर तक रह सकते हैं। अगर आप राजस्थान वेदर से संबंधित अपडेट्स पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही अगर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो चैनल को एक बार अनसब्सक्राइब करके दोबारा से सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।